वहाँ पे हमने सुना है कि बर्फानी बाबा का ऐसा वो अमरनाथ में जैसा रहता है ना बर्फ वाला, वैसा कुछ उन्होंने बनाया है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्रश ऑन ऑस्ट्रेलिया। सो आज है महाशिवरात्रि और आपको हैप्पी महाशिवरात्रि। होप आप इंजॉय कर रहे हो महाशिवरात्रि, और हम भी निकले हैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में महाशिवरात्रि मनाने के लिए। और अगर अभी शाम का प्रोग्राम हम अटेंड करने जा रहे हैं, अभी 7 बज रहे हैं, तो 7 बजे एक जगह पे प्रोग्राम होने वाला है और वो काफी बड़ा होता है। हम पिछले साल भी वहाँ पे गए थे और सुबह भी मैं 2 जगह पे गई थी, उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने मेरा वो वीडियो देखा नहीं होगा तो आप वो देख सकते हो। और अभी हम शाम का प्रोग्राम अटेंड करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही अच्छा होने वाला है, और आप भी बने रहे हैं हमारे साथ और देखिए हम ऑस्ट्रेलिया में कैसे महाशिवरात्रि मनाते हैं। और ये वाला जो प्रोग्राम है वो हमारे घर से खाली 6 मिनट के दूरी पे है, तो बहुत अच्छा हो गया हमको, क्योंकि हमने फास्टिंग वाला जो सब मैंने बनाया था वो खाया तो हमको थोड़ी नींद आ गई थी। इनको देखिए अभी भी नींद में है, झपकी ले ली इन्होंने, एक नैप हो गई इनकी, क्योंकि खाना बोलो ना इतना अच्छा बनाया था खाना सच में बहुत अच्छा बनाया था, जिसकी वजह से मुझे नींद आ गई है। मैंने अच्छा खाना बनाया था, साबुदाने वड़े और क्या बनाया था, हलवा आलू का हलवा, चिप्स तो तले हुए थे, तो पर काफी सब कुछ बहुत अच्छा था इसलिए उसने बहुत खाया और नींद आ रही है अभी। देखिए गाइस, तो यहाँ पे कितनी मीन्स भीड़ है, हमको हर साल ऐसा ही होता है। हॉल के पार्किंग में तो पार्किंग नहीं मिली है और यहाँ पे भी पूरे रोड पे पार्किंग ही पार्किंग है, तो बाप रे पता नहीं अभी हमको मिलेंगी कि नहीं। सो गाइस, बहुत ज्यादा पार्किंग फुल थी, हमें तो पार्किंग वहाँ पे हॉल के पास नहीं मिली, बहुत दूर मिली है, जहाँ से हमको 300 मीटर चल के जाना है। पिछले साल भी पार्किंग नहीं मिल रही थी तो भी हम आ गए, वैसे ही पता तो था कि बहुत भीड़ रहती है, जल्दी जाना चाहिए, तो अभी हम चल के जाएंगे थोड़ा, ठीक है थोड़ा सा। सो गाइस ये देखिए हम यहाँ पे आ गए हैं, ओमिनी मेंशन हॉल करके इसका नाम है, और आप देख सकते हो कि कितने अच्छे से यहाँ पे पूजा रखी है, महादेव जी की मूर्ति रखी है और कितने अच्छे से सब सजाया है, बाप रे इतना सुंदर दिख रहा है सब कुछ, और हमको तो ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम ऑस्ट्रेलिया में हैं, ऐसा लग रहा है कि इंडिया में ही हम मना रहे हैं महाशिवरात्रि। और आप देख रहे हो कि लोग कितने हैं, इन्हें हमेशा पूरा फुल भरा हुआ रहता है, ये देखिए सब लोग बैठे हैं यहाँ पे और पूजा चल रही है, यहाँ पे शिवलिंग अभिषेक चल रहा है और ये सब अपने अपने परिवार के साथ बैठे हैं वहाँ पे शिवलिंग का अभिषेक और पूजा करने के लिए, और उनको जो भी सामग्री और सामान लगा है शिवलिंग अभिषेक करने के लिए वो यहीं से उन्होंने दिया है। ये देखें, ये यहाँ पे माइक पे बताया जा रहा है कि आगे क्या करना है, आगे क्या करना है ऐसा। और ये देखें यहाँ पे बाहर खाने के स्टॉल भी लगे हैं, आप देख रहे हो मिठाई रखी है, जलेबी रखे है और ब्रेड पकोड़ा समोसा ऐसा रखा था। एक्चुअली ये तो रिफ्रेशमेंट है और बाकी 8 बजे एक्चुअल खाना भी रहता है, तो वो अभी 8 बजने के है तो वो 8 बजे चालू होगा। सो गाइज यहाँ पे तो आपने देखा होगा वीडियो में बहुत सारे लोग हैं और शिवलिंग पूजा चालू भी हो गई, हमको तो बैठने को नहीं मिला, तो हमने सोचा कि तब तक ये पूजा होती है तब तक हम दूसरी जगह जाके आते हैं, दूसरी जगह आपको दिखाते हैं। वहाँ पे हमने सुना है कि बर्फानी बाबा का ऐसा वो अमरनाथ में जैसा रहता है ना बर्फ वाला, वैसा कुछ उन्होंने बनाया है,
तो हमने सोचा कि हम वो देख के आते हैं तब तक ये होता है, और फिर अगर वहाँ से आने तक हमको टाइम मिला तो फिर से हम यहाँ पे आएंगे। तो चलिए, तो अभी हम वहाँ पे चलते हैं। गाइज, हमको पार्किंग बहुत बहुत मुश्किल से मिली, एकदम फुल था, कहीं पे भी जगह नहीं थी। सब लोग इधर उधर पार्किंग ही ढूंढ रहे हैं, बट लकीली हमको मिल गई। एक जन जा रहा था तो उसने हमको पार्किंग दे दी, भला हो बेचारे का। जो भी उसकी मनोकामना है सब पूरी हो जाए। तो आइए, तो अभी हम चलते हैं, क्योंकि हमने देखा अभी हॉल के बाहर तो इतनी भीड़ है और अंदर तो अफकोर्स भीड़ होगी, तो आइए तो हम भी भीड़ बढ़ाते हैं वहाँ जाके। चलिए। सो लीजिए गाइस, देखिए हम पहुंच गए हैं यहाँ पे, और आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी बहुत भीड़ है, बहुत लोग आए हैं, और वहाँ पे भी देखा था आपने कितने लोग थे, और यहाँ पे भी पूरा भरा हुआ है। और ये देखिए, यहाँ पे अमरनाथ की थीम की है इन लोगों ने, और कितनी अच्छी लग रही है, पूरा बर्फ़ का बनाया है, ऐसा लग रहा है कि मैंने, आप देख सकते हो कि कितना ब्यूटीफुल है। और यहाँ ऑस्ट्रेलिया में रह के ये सब करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर चीज़ नहीं मिल पाती, पर ये आप देख सकते हो कि कितना अच्छा किया है। हमको भी बहुत अच्छा लग रहा है कि हमको यहाँ सब कुछ फेस्टिवल हमको इतने अच्छे से मनाने के लिए मिल रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे अभी डांस होने वाला है, तो इन लोगों ने कुछ डांस प्रोग्राम भी रखे हैं, तो और अच्छा हो जाता है। तो चलिए, तो अभी हम थोड़ी देर के लिए डांस एंजॉय करते हैं। सो आइए गाइज, अभी हम लगते हैं लाइन में, क्योंकि हमको भी अभिषेक करना है। हम जब आए थे तो ये बंद रखा था, क्योंकि डांस चालू थे, और अभी भी सिंगिंग तो अभी भी चालू है। और यहाँ पे भी जो भी अभिषेक हमने किया है, ये सब यहाँ पे ही अवेलेबल था, फ्री ऑफ कॉस्ट था, कोई पे नहीं करना है। और अभी सिंगिंग डांसिंग होने के बाद हम अभी, हमारा आरती का टाइम हो गया है, तो अभी हम आरती करते हैं। सो गाइज, यहाँ पे तो हमारी आधी रात ही चले गई है, 11:30 बज रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत लंबा प्रोग्राम था, कुछ डांस परफॉर्मेंस और सिंगिंग था, तो और फिर उसके बाद हम आरती के लिए रुके थे, क्योंकि हम गए तो आरती तो करनी थी। तो ऐसा था हमारा महाशिवरात्रि का प्रोग्राम, बहुत ही अच्छा लगा, और आपने देखा वो अमरनाथ की थीम लगाई हुई थी, तो काफ़ी अच्छा लगा हमको। और वहाँ पे भी खाना था, और उपास के लिए उपास का फूड था, जिनका उपास ने उनके लिए भी फूड था। ठीक है, तो अभी मैं ज़्यादा बोलती नहीं हूँ, यहीं पे मेरा वीडियो ख़त्म करती हूँ। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। हर हर महादेव, हैप्पी महाशिवरात्रि आप सबको, बाय बाय।